हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एसक्यूएल सर्वर सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की है, यानी एसक्यूएल की है। तो अभी हम यहां से एसक्यूएल टाइप करते हैं। मेरे में ऑलरेडी एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है, अगर आपके में नहीं इंस्टॉल्ड तो उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करना चाहिए ताकि आप फ्री में उसे यूज कर सके। और यहां पर ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इस तरीके से ओपन होता है, देख सकते हैं सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा। और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो आपके सामने विंडो कुछ इस तरीके की आएगी। ये एसक्यूएल सर्वर की विंडो है, यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होगा इंटरनेट से। तो यहाँ पे इंटरनेट से हो जाइएगा कनेक्ट। जब भी आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज कीजिए तो इंटरनेट से कनेक्टेड रहिए। अब सपोज कीजिए हमें एक डेटाबेस बनाना है, तो डेटाबेस कैसे बनेगा? तो डेटाबेस बनाने के लिए आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी, या तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जाके भी डेटाबेस बना सकते हैं, लेकिन चलिए इस बार हम क्वेरी के थ्रू ही बना लेते हैं। तो ये न्यू क्वेरी पे गए और यहाँ पर क्या टाइप करना है आपको, यहां पर जाकर के टाइप करना है क्रिएट CREATE और यहां लिखना है डाटाबेस। ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा क्रिएट डाटाबेस और यहां पे डाटाबेस का नाम हमें दे देना होगा। ठीक है, तो यहां पे शॉप या यहां पे मैं कर देता हूं रिजल्ट मैनेजमेंट के नाम से डेटाबेस मैं बना रहा हूं। और यहां पे टर्मिनेट कर दिया। अब जब टर्मिनेट करेंगे ना तो इसको सेलेक्ट करके और यहां से एक्सीक्यूट करेंगे। जब एक्सीक्यूट करेंगे तो देखिए एक्सीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, लेकिन अभी हमें इसको यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे यूज कीवर्ड और यहां पे रिजल्ट मैनेजमेंट हम दे देंगे। तो यहां पे RESULT रिजल्ट और यहां पे फिर MANAGEMENT, तो ये हो गया रिजल्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये दे दिया हमने। अब यहां पे टर्मिनेट करके और इसको यूज कर लिया जाए, तो इसको यूज कर लिया हमने। देखिए ये भी कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ चुका है। अब हमको यहां से एक टेबल बनानी है, जिस टेबल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, और सपोज ये क्लास 12th का ही है। ठीक है, या हो सकता है कि BCA पार्ट 1 का हो या BTEC जो है फर्स्ट सेमेस्टर का हो, तो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके की परिस्थितियां हैं। तो चलिए ये क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कमांड का यूज करते हैं हम टेबल बनाने के लिए। और टेबल किस नाम से बनाएंगे, रिजल्ट RESULT रिजल्ट T नाम से टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पर सबसे पहला काम कि यहां पे पहला फील्ड देना है। तो ये लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर, तो ये हो गया रोल नंबर। अब ये फील्ड का नाम है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर रोल नंबर आएगा तो ये डेटा टाइप इसका मेंशन करना होगा। तो यहां पे इंटीजर डेटा टाइप हमने दे दिया और यहां लिख देते हैं नॉट नल प्राइमरी की बना दिया हमने इसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी लिख देना है, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट टाइप कीजिएगा, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। देखिए गैप आप नहीं दे सकते, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो नेम ऑफ स्टूडेंट कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यहां पे मैं दे देता हूं इसे वेरकेयर डेटा टाइप और इसकी साइज 20 रख लेता हूं। यहां पर देखिए 20 ब्रैकेट के अंदर मेंशन भी कर दिया है, देख लीजिए इस तरीके से। अब यहां कॉमा लगाइएगा। कॉमा लगाने के बाद अब यहां पर ये अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स पाएंगे, तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के नाम भी देने होंगे। तो चलिए यहाँ पे दे देते हैं कुछ सब्जेक्ट के नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 12 के स्टूडेंट है तो यहाँ पर ये इंग्लिश पढ़ते होंगे, तो यहाँ इंग्लिश दे दिया। और इंग्लिश में ये पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वेयर केयर पाएंगे, वेयर केयर का मतलब इसमें कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, इसमें जब भी आएगा तो नंबर आएगा, तो इसलिए इंटीजर कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है कि नंबर तो इंटीजर ही होगा। ठीक है, जब मार्क्स पाएंगे तो इंटीजर में पाएंगे, डेसिमल में मार्क्स नहीं होते हैं। खासतौर पर अगर बोर्ड वगैरह की बात करें तो उसमें डेसिमल में तो मार्क्स होते नहीं है, उसको होल नंबर बना ही दिया जाता है। तो ये इंग्लिश का हो गया, कॉमा दे दिया हमने। फिर यहां कर देते हैं क्या, BIOLOGY बायोलॉजी कर दिया और इसको भी इंटीजर ही रख देते हैं, कॉमा दे देते हैं। और जैसे ही कॉमा देते हैं तो फिर एंटर करके नीचे आते हैं ताकि आपको पूरा पूरा दिखाई दे। मैं उधर की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा तो बाकी की चीजें छिपती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। फिर यहाँ पे कॉमा देके क्या करना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे CS कर देते हैं। CS का मतलब कंप्यूटर साइंस, और इसे भी रखते हैं क्या इंटीजर डेटा टाइप। फिर कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद फिर क्या करना है, तो ये हमारे पास कितने सब्जेक्ट हो गए, 1, 2, 3 हो गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैथ्स कर देते हैं और यहाँ पे इंट डेटा टाइप देंगे और यहाँ पे फिजिक्स PHYSICS, तो ये हो गया फिजिक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये भी इंट डेटा टाइप रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट हो गए। और अब लास्ट में होगा केमिस्ट्री, तो ये हो गया केमिस्ट्री। और यहाँ पर इंट डेटा टाइप दे करके और अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को क्लोज करना और यहाँ टर्मिनेट करना, टर्मिनेट करना यानी सेमी कोलन आप दे दीजिए। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सीक्यूट कर देंगे तो यहाँ पर ये एक्सीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक ये बता रहा है, क्या मिस्टेक बता रहा है आइए समझते हैं इसको। कह रहा है कि रिजल्ट T नाम से आप टेबल तो बना रहे हैं लेकिन यहाँ पे आपने लिखा नहीं है कि क्या बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल ही बनाना है।
तो ये टेबल लिख दिया और अब इसे जब चलाएंगे तो ये सक्सेसफुली एक्सीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे टेबल हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट होंगे, तो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देंगे इंसर्ट इनटू कमांड, इंसर्ट इनटू इस तरीके से दे दीजिएगा। और अब किसके अंदर इंसर्ट करना है, तो रिजल्ट RESULT रिजल्ट टी के अंदर इंसर्ट करना है, तो ये हमने दे दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा दे दे करके फील्ड के नेम लिख देंगे। फील्ड के नेम मतलब जो ये रोल नंबर दिया तो जैसे लिखा गया वैसे ही लिख दीजिए, कॉमा दे दीजिए। फिर नेम ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये नेम ऑफ स्टूडेंट आपको दिख ही रहा होगा, तो यहाँ पर इसे मैं उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, इंग्लिश है, तो इसको उठाता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी से यहाँ पे कॉमा देके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे देखिए बायोलॉजी है, तो यहाँ पे बायोलॉजी को यहाँ कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी हो गया। आप कॉमा देंगे, फिर क्या है, तो फिर CS है, तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ, CS कॉमा लगाता हूँ, और फिर मैथ्स है, MATHS मैथ्स टाइप कर दिया, फिर कॉमा लगाया, फिजिक्स है, PHYSICS तो फिजिक्स हो गया, फिर यहाँ पे CHEMISTRY तो केमिस्ट्री भी हो गया। ठीक है, तो सब हो गया, तो ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज भी डालनी होंगी ना, तो यहाँ पे तो वैल्यूज लिखना पड़ेगा, तो ये लिख दिया हमने वैल्यूज इस तरीके से, और ब्रैकेट को ओपन किया है। और अब यहाँ पे रोल नंबर डालना है, तो देखिए बेटा रोल नंबर जो हमने इंटीजर डेटा टाइप रखा है, तो यहाँ पे मान लीजिए रोल नंबर 1 दे दिया हमने, कॉमा दिया, नेम ऑफ स्टूडेंट को आप सिंगल डिजिट कॉमा में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सौरभ लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट का नाम, ठीक है, तो ये सौरभ दे दिया, फिर कॉमा देंगे, और अब यहाँ पे मार्क्स डालने हैं आपको, तो आउट ऑफ 156 रहा एक सब्जेक्ट में, फिर दूसरे में यहाँ पे देख सकते हैं 67 रहा, फिर 57 रहा, फिर 67 रहा, फिर 78 रहा, इस तरीके से ये मार्क्स आए। तो अभी कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हमें करने हैं, तो 6 सब्जेक्ट यहाँ पे कर देते हैं, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो यहाँ पर 3 और 2 5 सब्जेक्ट हो गए, छठवें सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे एंटर करवा देता हूँ, ये हो गया। अब ब्रैकेट को क्लोज करके टर्मिनेट करके अब इसको चलाने की बारी है, तो यहाँ से एक्सिक्यूट करेंगे, जैसे एक्सिक्यूट करेंगे देखिए लिखा हुआ आ गया 1 रो अफेक्टेड। अभी इसका परिणाम क्या हुआ आइए देखते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम, अब हमारे टेबल का क्या नाम है, हमारे टेबल का नाम है रिजल्ट टी, तो यहाँ पे रिजल्ट टी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बार बार लिखेंगे नहीं, और यहाँ टर्मिनेट कर देते हैं, और अब इसको चलाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक रिकॉर्ड आ चुका है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार ये काम कर लिया तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे नाम खाली चेंज कीजिए, जैसे मान लीजिए सौरभ के बजाय यहाँ पे गौरव नाम आ गया, तो आप अब एक बार आपने ये कर लिया तो ये होता चलेगा अपने आप। ठीक है, मार्क्स में चेंजेस कर लीजिए, जहां पर मार्क्स कम अधिक हुए हों उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर चेंज कर लिया मैंने, ठीक है, और यहां पर चेंज कर लिया, तो ये हो गया। अब यहां पर क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके और चेक करना है कि अभी ये एक्सिक्यूट हुआ या नहीं, तो पहले इसको चलाएंगे, तो यहां से इसको चलाया तो ये एक्सिक्यूट हो गया। अब यहां पर आए और यहां से इसे एक्सिक्यूट किया, तो देखिए 2 यहां पे रोज बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर अगले स्टूडेंट का नाम हमें करना है, तो यहाँ सबसे पहले रोल नंबर चेंज कीजिएगा, 3 कर दिया, और 3 करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे नाम भी चेंज करना है, तो यहाँ पे नाम यहाँ पे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ मैं, शालवी, SHALVI, तो ये लिख दिया नाम। ठीक है, अब मार्क्स यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, तो जो मार्क्स आए होंगे उसके मुताबिक यहाँ पे हम मार्क्स भी दे देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्क्स भी आ गए, और ये कुछ इस तरीके से, तो कुछ चेंजेस मैंने कर दिए हैं, और अब फिर इसको भी चलाने की बारी है, तो यहाँ से चला लीजिए, तो 1 रो अफेक्टेड हो गया। अब इसको चलाएंगे तो तीसरा रिकॉर्ड भी इंसर्टेड है, आप देख सकते हैं। तो बस आपको यही करते चलना है, अब हर बार खाली आपको रोल नंबर नेम वगैरह में चेंजेस करने हैं, तो यहाँ से रोल नंबर बदला और यहाँ से नेम बदलेंगे, तो यहाँ पर कर दिया मैंने सूरभी, एक और नाम कर दिया, और यहाँ पर मार्क्स वगैरह चेंज कर लीजिए, जो भी मार्क्स आए हों वो मार्क्स आपको डालने हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे मार्क्स में भी चेंजेस हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस तैयार हो जाएगा, और अब इसको फिर चलाएंगे, तो पहले तो हम इंसर्ट वाला चलाएंगे, क्योंकि पहले तो हमने इंसर्ट ही किया है, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाके यहाँ से पकड़ेंगे इसको, और इतना पकड़ के यहाँ से एक्सिक्यूट करेंगे, तो ये 1 रो और इफेक्टेड हो गया, और एक और रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा जब इसको सेलेक्ट करके चलाएंगे, तो 4 रिकॉर्ड हमारे पास आ गए हैं। अब हमको एक ऐसी क्वेरी बनानी है जिसमें हम इसका टोटल कर सकें, तो टोटल करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, और हम
यहाँ पर ये दे दिया है, अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं टोटल करना ही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल भी कैलकुलेट होकर आ गया है। यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आगे नेम भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी दिखाई पड़े तो मार्क्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे इंक्लूड करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ NAME नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर। अब देखिए ध्यान से देख के लिखिएगा एक एक चीज को। नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया, अगर मैं नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद कॉमा देता हूँ, इसे चलाता हूँ, देखिए इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चलाया तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट इंक्लूड हो गया। तो जिन भी चीजों को इंक्लूड करना है यहाँ पर आप लाइन से देते जाइए, जैसे कि अभी हमें देना है यहाँ पे इंग्लिश, तो ENGLISH इंग्लिश भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये इंग्लिश दे दिया, ठीक है। इसके अलावा भी जो प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे बायोलॉजी कराना चाहते हैं तो ये बायोलॉजी दे दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए। अगर आप CSV चाहते हैं तो यहाँ CS दे दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए। तो बस यही आपको करना है। अभी इस पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ एक बार में, ठीक है। अभी मैंने कुछ ही सब्जेक्ट किए हैं, यहाँ देखिए इंग्लिश बायोलॉजी सबका यहाँ पे नेम भी आ रहा है, तो CS तक हम लग चुके हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री रह गया है तो उसको भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ से जाके PHYSICS फिजिक्स हो गया, कॉमा लगाएंगे, और फिर यहाँ पे CHEMISTRY केमिस्ट्री हो गया, बस कॉमा लगा करके और इसको सेलेक्ट कर जाइए। ये पूरा डेटा सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके क्या करना है आपको, रन करवा देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट करिए और रन करवाइए, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लीजिए और अब यहाँ से करना है इसे रन। तो रन करवाने के बाद आप देखेंगे कि ये सारे ही मार्क्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे आपके सामने, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी में आप परसेंटेज भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो परसेंटेज भी कैलकुलेट किया जा सकता है, एवरेज भी कैलकुलेट किया जा सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने टोटल किया वैसा ही ये भी किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज और एवरेज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।